बात करेंगे देश और दुनिया की कई ताजा और बड़ी खबरों की। दोस्तों आपको बता दें, बिहार चुनाव में जीत कर भी अब चैन से नहीं रह पाएंगे बिहार के 27 विधायक। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वही दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, भूमि पूजन में पहुंचे बीजेपी विधायक, जब पूजन सामग्री को मारने लगे लात तो वहां के लोग पूछने लगे कि यह क्या संस्कार है आपके, तो विधायक जी का जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर बीजेपी विधायक ने क्या जवाब दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में विधायकों की तोड़फोड़ से बिखरी जेडीयू और बीजेपी को दी अटल दर्द निभाने की नसीहत। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को विस्तार से, लेकिन आप गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि देश भर से सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बता दें, बिहार चुनाव में जीत कर भी अब चैन से नहीं रह पाएंगे बिहार के 27 विधायक। विधानसभा चुनाव में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियों में इजाफा होने वाला है। वहीं प्रजापति प्रतिद्वितीया ने पटना हाईकोर्ट में दस्तक दी है, केस फाइनल हो गया है और मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुति और लीडिंग भी हो चुकी है। वहीं 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं मुकदमा दर्ज कराने वालों में सबसे ज़्यादा 8 रजत और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं 5 निर्दलीय को भी प्रतिद्वितीया की जीत पर आपत्ति है। सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इनमें 3 जेडीयू और 2 भाजपा के भी हैं। वहीं माकपा और भाजपा के 1-1 प्रत्याशी हैं। 2 ने सीधे चुनाव आयोग को ही पार्टी बनाया है। 1 मामला विधान परिषद का है और टिकरी कांग्रेस प्रत्याशी समुसार को आरोप है कि रिटेंगरी ऑपरेशन ने पक्षताप करते हुए जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें, जिन विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं उनमें सबसे ज़्यादा 9 जेएडयू के हैं, और जबकि भाजपा के 6 हैं और रजत के 7 विधायक हैं जिन्हें हार प्रत्याशी के निशाने पर रखा हुआ है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, भूमि पूजन में पहुंचे बीजेपी विधायक, जब भूमि पूजन सामग्री को मारने लगे लात तो पूछने लगे लोग कि विधायक जी आपके क्या संस्कार हैं, तो विधायक जी का जवाब बहुत ही खौफनाक आया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक एक भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कथित तौर से भूमि पूजन सामग्री को लात मारा, और इस संबंध में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इसमें नज़र आ रहा है कि विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ एक स्थल पर पहुंचते हैं जहां पहले से कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं। विधायक वहां आकर पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम आज पर है। इसके बाद दो वीडियो को बड़ी ही रोबादार आवाज़ पर बुलाते हैं, ये वीडियो इधर आओ, यह कार्यक्रम क्या है, और यह इस पर वीडियो उन्हें कुछ बताते हैं कि फिर नाराज़ विधायक चिल्लाने लगते हैं कि वहां पत्थर हैं और लाओ पत्थर इधर लाओ। इसके अचानक वो वहां लोगों के पीटने के लिए रखे गए सामानों को लात मारने के लिए लगते हैं, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें सोनू दुबे ओझा नाम की एक यूज़र ने लिखा है कि अपनी तमीज खोज रहे हैं विधायक जी, पूजा सामग्री का अनादर करना यहाँ के संस्कार है और शर्म नहीं आ रही। दोस्तों वहीं राहुल रक्षित नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा कि नेता लोगों को ये सब करने की हिम्मत है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार लोगों के कब्जे में और पुलिस है, और पुलिस भ्रष्टाचार लोगों के इशारे पर नाचती है। यहीं की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को न्यायाधीन शहीद स्मारक के प्रवेश द्वार के उद्घाटन का कार्य जिलाधिकारी निर्देश कुमार ने पहले से ही निर्धारित किया था। वह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर लिखी थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक रमेश मिश्रा जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे कार्यक्रम की जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों ने अभद्र भाषा में बात की, और इसके बाद शिलापट को खोजने लगे। वह शिलापट न मिलने के हवन के लिए बनाए गए वेदी के किनारे बिछाए गए गद्दों पर पैर मारकर फेंक दिया गया। वहीं दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में विधायकों की तोड़फोड़ से बिखरी जेडीयू और भाजपा को दी बड़ी मुश्किलें। वहीं आरसी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बीटा में भी खुशी दी। बीटा जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सहित तमाम जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नए अध्यक्ष का स्वागत किया, और बीटा चौराहे पर जेडीयू कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। वहीं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नाम पर सहमति देने के लिए उन्हें धन्यवाद किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों की तोड़फोड़ से पार्टी में गुस्सा आज भी है, और राष्ट्रीय कार्यकर्ता की बैठक के बाद पार्टी नेता केसी त्याग ने बीजेपी को अटल धर्म निभाने की नसीहत दी है।
वहीं आरसीपी सिंह एक बार क्रिमिनल्स केस नहीं है, वहीं आरसीपी सिंह यूपी कैंडर के आईएएस रहे, जिसके बाद उन्होंने सीधे जेएडयू के साथ राजनीति में एंट्री किया। और अरुणाचल प्रदेश में जेएडयू विधायकों की टूट के बाद बिहार में रहे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। वहीं बैठक में नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पर इस्तीफा दे दिया और जेएडयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह को चुना गया है।